是那真厉害的。हमें सबसे पहले बैठने का दिक्कत है, जमीन में बैठते हैं। और ये हमारा ये स्कूल नहीं है, ये क्वार्टर आदमी का रहने वाला जगह। तो क्या चाहता है तुम? हमें अच्छा स्कूल वाला मिल जाए। दिक्कत है कि हम लोगों को स्कूल जो है हम लोगों को सेपरेट होना चाहिए और क्वार्टर सेपरेट होना चाहिए। जैसे बच्चों को अब ऊपर नीचे जाने में थोड़ा असुविधा होता है, ज़्यादातर से गर्मी और बरसात में भी दिक्कत है। और सभी 150 बच्चों को बैठाने के लिए मान लीजिए कि रूम तो छोटे छोटे हैं, बच्चों को एक साथ बैठा करके हम पढ़ा नहीं पाते हैं। अलग अलग बच्चों को क्लास वाइज बैठाने के लिए जगह चाहिए, इसलिए हम लोगों को सुविधा है। अच्छा, इसी में हम लोग रहते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो दिक्कत तो होता ही है। ठंडे के चलते ही बाहर में ऊपर में ठंडा ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए जो है नीचे बैठा कर पढ़ा रहे हैं धूप में। टेबल चाहिए इसलिए कि मैनेजमेंट देने के लिए भी बोले, लेकिन तो वह रूम छोटे छोटे होने के कारण वो फर्नीचर दे नहीं पाए, इसलिए कि अगर फर्नीचर रख देते हैं तो बच्चे बैठेंगे कहाँ, जगह कहाँ से होगी। फर्नीचर के तो जगह चाहिए। मैनेजमेंट माइंस में चल गया क्वार्टर, तो फिर मैनेजमेंट हम लोगों को क्वार्टर दिया नहीं, हम लोगों को स्कूल में ही शिफ्ट करा दिया। तब से हम लोग स्कूल में रहने लगे। ला बहुत बार कहे मैनेजमेंट से क्वार्टर के लिए, लेकिन मैनेजमेंट जो उस पर ध्यान नहीं दिया। स्कूल बिल्डिंग नहीं, जब स्कूल बिल्डिंग होगा तो उसके हिसाब से बनेगा, उसके हिसाब से कुर्सी टेबल सब व्यवस्था होगी। तो सबसे जरूरी है पहले स्कूल बिल्डिंग सेपरेट कहीं बनाए कीजिए, तब उसके बाद और सब व्यवस्था करें। जैसा कि मैनेजमेंट को कहा गया है, वो कहा है कि ये अभी टेम्पोरी व्यवस्था आपको है, जब हमारी कॉलोनी कहीं बनेगी उस समय हम आपको स्कूल सेपरेट बिल्डिंग बना के दे देंगे। 1.5 साल। तो अभी तक क्या बिल्डिंग आप लोग की बनी है? नहीं, हम क्या बोल रहे हैं कि स्कूल बिल्डिंग बोल के कहीं अलग बनाएगा, तभी जाके हम बारिश सुविधा सुविधा होगी। तो ठंडा के कारण हम बाहर पड़ रहे हैं, बैठने के लिए व्यवस्था हो जाती है, लेकिन अब ये है कि जो स्कूल का सिचुएशन होना चाहिए वो तो है नहीं। আরও খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।